नोएडा की फिल्म सिटी में विकास दुबे के सरेंडर की अटकलों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। विकास दुबे की तलाश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। कानपुर कांड में गिरफ्तार पूर्व थाना प्रभारी विनय तिवारी समेत 7 लोग रिमांड पर भेजे गए। वाराणसी में पुलिस ने 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे के पोस्टर लगाए। बांदीपोरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता वसीम बारी समेत 3 लोगों की हत्या की। बांदीपोरा में बीजेपी नेता वसीम अहमद की हत्या पर पीएम मोदी ने जताया दुख। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। तेजस्वी यादव ने बिहार के अस्पताल में कोरोना मरीजों के बीच शव रखे जाने का वीडियो ट्वीट किया। वाराणसी में लॉकडाउन में लोगों की मदद करने वाले संगठनों से आज पीएम मोदी करेंगे बात। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन करेंगे। कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान से वापसी के सभी विकल्पों पर भारत करेगा विचार। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से 595 भारतीय नागरिक जयपुर पहुंचे। मुंबई में एक ही दिन में कोरोना के 1381 नए मरीज मिले। मुंबई में बीएमसी ने क्वारंटीन सेंटर में अब प्राइवेट डॉक्टरों की मदद लेने का फैसला लिया। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 2033 नए मामले सामने आए। यूपी में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। दिल्ली के मुंडका में एक गोदाम में बीती रात भीषण आग लग गई। मुंबई में जाने माने एक्टर जगदीप का 81 साल की उम्र में निधन।